नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के रामनगर आधारताल क्षेत्र में रहने वाले अधिवक्ता अब्दुल के निवास स्थान पर बीती 4 जून को हुई चोरी को लेकर आधारताल पुलिस का ढीला रवैया अब चोरों के हौसले और भी बुलंद करने लगा है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के घर विवाह का उत्सव था, लिहाजा उसके घर में सोने चांदी के आभूषणों सहित नकद राशि भी रखी हुई थी, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने पूरे घर पर हाथ साफ कर दिया था। उपरोक्त घटना के बाद पीड़ित परिवार में बकायदा इसकी FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद लगातार थानों का चक्कर काटते हुए संदिग्ध लोगों को भी चिन्हित करते हुए पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने उनसे हल्की पूछताछ करते हुए उन्हें चलता कर दिया। पीड़ित अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त घटना से उनके जीवन भर की गाड़ी कमाई चली गई है और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। उपरोक्त मामले को लेकर पीड़ित अधिवक्ता अपने परिवार के साथ मंगलवार जनसुनवाई के दिन SP ऑफिस पहुंचा और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उसने जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। मेरे पड़ोस से सारे अधिकारी बाहर मैंने दिया, आज सारे मेरे बाहर के मेम्बर लोग आएंगे, वो यहाँ पे दे जाएंगे, हमारे अध्यक्ष महोदय आएंगे, ये हमने बाहर में दिया है। हमारे सामने रखी हैं, जिसमें लगभग सभी प्रकार के मामले हैं, जिसमें जमीनी विवाद से लेकर घरेलू विवाद के संबंध में भी है और आपसी लड़ाई झगड़े के भी मामले सामने आए हैं। कई बुजुर्ग भी आए थे जो अपने बच्चों से परेशान हैं। तो सभी तरीके के मामले हैं और निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा मामले घरेलू विवाद के ही सामने आते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।